हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज एक शॉर्ट मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। एक बार एक यात्री था जिसका सपना था हिमालय की चोटी पर चढ़ना। इसलिए एक दिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिमालय की चढ़ाई करने लगता है, पर कुछ देर बाद और काफ़ी प्रयास करते करते उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसे लगता है वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तभी बूढ़े ज्ञानी आदमी वहाँ से गुजरता देखता है, तो यात्री उनके पास जाता है और बोलता है, मैं हिमालय की चोटी तक पहुँचना चाहता हूँ, पर मैं अभी से थक गया, शायद उसमें हिम्मत और ताकत नहीं जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। तभी वो बूढ़े ज्ञानी मुस्कुराते हुए बोले, तुम अभी से हार इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम एक गलती कर रहे हो। तुम इसलिए थक गए और निराश हो रहे हो क्योंकि तुम तभी से सिर्फ हिमालय की चोटी तक कब पहुँचेंगे वही सोच रहे हो। वो कितना ज़्यादा दूर है अभी भी, और तुम्हें न जाने कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान है, उन्होंने समझाया कि अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम पर लगाओ। उस एक कदम के बारे में सोचो जो तुम लोग और अभी लोगे। इस बात को यात्री ने कुछ देर सोचा और इसके पीछे छुपे मतलब को उसने समझा, और वो अपना पूरा ध्यान एक एक कदम पे लगाने लगा। उससे फिर अंत में परिणाम ये हुआ कि वो हिमालय की चोटी तक पहुंच गया, वो भी बिना हार माने। अब एक सवाल, क्या आप भी उस यात्री की तरह अपने लक्ष्य के रास्ते में ही हार मान गए हो? क्या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, फिकर हो रही है कि आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो जवाब सरल है, दूर खड़े उस लक्ष्य के बारे में इतना मत सोचिए। अभी आपका पूरा ध्यान आपके अगले कदम पर लगाइए, अपने लक्ष्य की तरफ। आज अभी आप क्या बेहतर कदम ले सकते हो, बस उसी पे अपना ध्यान लगाइए, और यही हर एक एक्शन आपको नई हिम्मत देगी और प्रेरणा देगी अपने सपने की ओर ले जाने के लिए। हर बड़ी मंजिल हासिल है, बस तू डर मत, जुट जा, देख भरे है उसमें हौसले, चल कदम उठा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।